पुराने जमाने में शिक्षा प्राप्ति के लिए लोग ऐशो आराम छोड़कर ऋषि मुनियों के कुटीर में जाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। पेड़ के छांव और पहाड़ों के तलहटी में शिक्षा लेते थे। लोग इसे शांति निकेतन कहते थे। आज के आधुनिक युग में गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के सकरदास नवादा गांव में कुछ ऐसा ही नज़ारा लोगों को देखने को मिल रहा है। सकरदास नवादा के एक शिक्षक 30 से 40 छात्रों को पेड़ के छांव एवं पहाड़ की तलहटी में शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा के लिए शहर के लोगों ने अपने अपने नौनिहालों को निजी संस्थानों में नामांकन करवा रखा है। गांव में शिक्षा के लिए मात्र एक व्यवस्था है, तो वही सकरदास नवादा के शिक्षक रामजी यादव बीते 20 वर्षों से पहाड़ के नीचे पेड़ के छांव में गांव के बच्चे बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं। छात्राओं को अपनी मेहनत से शिक्षक रामजी यादव गणित, साइंस और अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं। इसी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे इसी को शांति निकेतन मानते हैं। शिक्षक रामजी यादव ने बताया कि इस गांव के गरीब बच्चों को पैसे के अभाव में शहर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। उन लोगों को यहीं पर शिक्षा देने का कार्य अब वो कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पेड़ के नीचे कई छात्र पढ़कर अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं, कई तो अधिकारी भी बन गए। उन्होंने बताया कि एक गरीब परिवार से वो खुद भी आते हैं, उनके पिता किसी तरह मजदूरी कर उन्हें मैट्रिक पढ़ा सके। उसके बाद पैसे के अभाव में उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। हम आज 20 वर्षों से इस गांव के गरीब के बाल बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहा हूं और समय समय पे अपने गांव के विद्यालय में भी जा कर के निःशुल्क बच्चों को सेवा देता हूं। हम एक गरीब परिवार से आते हैं और हम अपने आप में यह गरीब को गरीबी से महसूस किया, अपने गरीबी को देखते हुए दूसरे को गरीबी को समझता हूँ। इसी माध्यम से, इसी विचार से मेरे मन में इस तरह का आया कि हमें अपने आसपास के गरीब के बाल बच्चों को कुछ सेवा देना चाहिए समय निकाल कर। तो कैसे आप पढ़ाते हैं, कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं अपना तो मुझे कोई बिल्डिंग है नहीं, बस स्कूल बंद हो जाने के बाद वृक्ष के छाया में गांव के ही मैदान में पेड़ के पास बैठकर पढ़ाता हूँ। कौन सा गांव है ये? सकरदास नवादा। सही, कितने बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं? 40 बच्चे प्रतिदिन पढ़ाते हैं। प्रतिदिन। अब इसीलिए उनकी सोच है कि पैसे के अभाव में उनके गांव के बच्चे शिक्षित हो सके। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य के साथ बीते वर्ष 1974 से शिक्षा देने का काम वो कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। जब गर्मी रहता है जब हम लोग छावरा में पढ़ते हैं, मतलब पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते हैं। कितना दिनों से पढ़ रही है आप? हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या का पढ़ाई होता है? हम लोग का हिंदी पढ़ते हैं और मैथ और अंग्रेजी। कौन पढ़ाते हैं? हम लोग का सर का नाम है रामजी सर। क्या नाम है? रिंकी कुमारी। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हो? 2 साल से। कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है? अच्छी पढ़ाई होता है, हिंदी अंग्रेजी ये सब। अच्छा, तो क्या पेड़ कैसे, कहाँ पे पढ़ाई करते हो तुम लोग? पढ़ाई जहाँ पे छा रहते हो वहाँ पे पढ़ाई। अच्छा, कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई तो यहाँ 2 साल से। तो कैसा, मैंने फ्री ऑफ शुल्क पढ़ाया जाता है? हाँ, फ्री पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाते हैं? तो पानी उनी आता होगा तो कैसे फिर? पानी उनी पड़ता है तो क्या आप बड़ा होकर बनना चाहती हो? तो एक ओर जहां सरकार शिक्षा के अनेकों दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर गया के एक गांव में शिक्षक पेड़ की छांव में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है। आगे देखना है कि शिक्षा में सुधार के लिए क्या ये शांति निकेतन काम आता है या फिर वो सरकारी स्कूल जिसमें तमाम सुविधाओं की दावे सरकार कर रहा है लेकिन सरकार के दावों के पोल खोलता यह शांति निकेतन
बच्चों की इच्छा शक्ति और मास्टर साहब की दृढ़ संकल्प को दिखलाता है। गया से लाइव सिटीज के लिए आशीष की रिपोर्ट।